नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्लासेस के लिए निकल चुके हैं और जो हम लोगों ने आपसे वादा किया था, उस वादे के तहत मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि छात्र पैदल ही पैदल बसों के लिए पढ़ रहे हैं। आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरा बसेस लगी हुई है, क्षेत्र के हिसाब से बसेस निकाली जा रही हैं। प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन एडीएम सर मौजूद हैं। यहाँ पर छात्रों की गिनती भी हो रही है और उस हिसाब से उनको उनके क्षेत्र के हिसाब से भेजा जा रहा है। बसेस का नाम नोट किया जा रहा है और बसेस के माध्यम से छात्रों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में छात्र हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे और उन छात्रों को किस तरीके से यहाँ से भेजा जा रहा है वो हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। ये हाथी पार्क का इलाका है। बैठवा के वही साइन करा लीजिए करके। सर नमस्कार, बढ़िया सर, आप इस फोटो निकल रही है ना। ये देखिए, छात्रों की एक पूरी कतार है यहाँ पर और ये सब अपने घरों की ओर जाने के लिए अग्रसर है और सबकी अपनी तैयारी है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरीके हम लोगों ने बातें करी थी कि आज छात्रों को भेजा जाएगा और खुद ही देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र मौजूद है और अपने घरों के लिए आज वो प्रस्थान कर रहा है। जी हाँ, ये छात्र परेशान थे और जिस तरीके से इन लोग को घर जाना था, एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से है और बहुत एक लंबी लाइन है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। बसेस लग रही है, उस हिसाब से लड़कों की गिनती हो रही है और साथ से इनको यहाँ से उनके घर के लिए भेजा जा रहा है। देखिए कितनी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। प्रोसेस क्या है राजुल जी? कोई प्रोसेस नहीं है, आप आइए अपनी आईडी प्रूफ लेके और अपने गंतव्य को जाइए और कुछ एरिया डिसाइड है जो हम लोगों ने पहले भी दिखाने की कोशिश की आपको, तो एरिया के अनुरूप जाना है। ये देखिए कितनी लंबी कतार है, क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, हर एक क्षेत्रों के हिसाब से यहाँ पर छात्र जा रहे हैं। भैया किसी को और लाया जा सकता नहीं, सिर्फ जाने के लिए है अभी। देखिए कितनी लंबी कतार है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। बसेस लग रही है, आला अधिकारी आ चुके हैं और इनको इनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। एक्सीलेंट वर्क गवर्नमेंट, जी हाँ एकदम एक्सीलेंट है। देखिए कहाँ कहाँ से छात्र परेशान फंसे हुए हैं, आज बहुत अच्छी खबर है कि ये अपने घरों को जा रहे हैं, इनके बकायदा नाम नोट हो रहे हैं, डिटेल ली जा रही है और उसके बाद इनके घरों के लिए। चैनल और मैं राहुल शर्मा ने हम लोग ने कोशिश की थी कि हम आपको जानकारी दें कि लॉकडाउन में फंसे हुए बच्चे अपने घर को जा सकते हैं और देखिए वो हो रहा है हमारे पीछे।
और आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। एक पूरा प्रोसेस के बाद ही इन लोग को यहाँ से भेजा जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, दो बसेस लगी हुई है, लगातार बसेस भेजी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग पूछ रहे हैं कहाँ से भेजी जा रही है, ये मैं आपको बता दूँ, ये जगह है हाथी पार्क के पास की। पूरे प्रोसेस के बाद इन लोग को देखिए, बसेस में लड़कों को बैठाना भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, ये जो नज़ारा है वो इस समय, मैं आपको बता दूं कि ये हाथी पार्क के पास का है। और यहाँ से देखिए इन छात्रों को भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी लेयर है। और इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे का भी नज़ारा लेते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों से लोगों को भेजा जा रहा है बराबर यहाँ पर। जो घर में फंसे हुए लड़के रह गए हैं, जो मतलब कि लॉकडाउन में प्रयागराज में फंसे रह गए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, उन सभी को यहाँ से भेजा जा रहा है। कहाँ जा रहा तुम लोगों को? देखिए, पूरी कोशिश है इन छात्रों की, उसके साथ आला अधिकारी भी यहाँ पे लोगों को भेजने का पूरा इनका प्रयास चल रहा है। और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और बहुत लंबी लाइन हो चुकी है यहाँ पर। हम लोग अब यहाँ से चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक एरिया है। ये हम आपको बता दें कि इधर से ये जॉन प्रतापगढ़ वाली बेल्ट है ये। और चलिए, अब यात्रा हम लोग यहाँ से फिर शुरू करते हैं सिविल लाइन साइड की, क्योंकि छात्रों को हर जगह से भेजा जा रहा है, तो और प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पे। छात्रों को रोक रहा है कि आपको जाना कहाँ है, आप कंफ्यूज जो है कहाँ से पैदल आ रहे हैं। ये अपने में बड़ी बात है। ये देखिए, इतनी बड़ी लाइन और इतने छात्र है परेशान। देखिए लाइन, ये सभी छात्र अपने घरों की ओर जाने के लिए परेशान हैं और प्रशासन की पूरी मदद में लगा हुआ है। ये हम लोग नौजरे के पास में है ये सब। और वहीं अगर थोड़ा सा हम लोग रास्ता पलट देते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिविल लाइन बस अड्डे के पास से भी बसें गुजर रही हैं। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, उन लोगों से बता दें कि रात 12 बजे तक यहाँ प्रोसेस है। अगर वो अपने घरों में हैं तो प्लीज़ ध्यान दें, यदि आपका कोई अपना रखा हुआ है तो उसके लिए ये सुविधा आ चुकी है और इनको बसेस से भेजा जा रहा है। बसेस हर ओर लगी हुई है, हर क्षेत्र में लगी हुई है। देखिए, बहुत से बच्चे पैदल अपने सामान लेकर जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन। भैया, मैं पत्रकार हूँ और मैं लाइव ही करता हूँ ऐसे। राजू मेरा नाम है जी। हाँ, ये देखिए, नहीं ये देखिए, यहाँ पर छात्र निकल रहे हैं अपने घरों की ओर। बसेस लगी हुई है हर चौराहों पर और कई बसेस में बच्चे भर के जा भी रहे हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस समय ये देखिए, एक बस जा भी रही है
दो बसेज ये हम लोग इस समय प्रयाग संगीत समिति के पास है, जहाँ पर इस समय बस खड़ी हुई है और छात्रों को बैठाया जा रहा है। लगातार आप देखिए यहाँ से बसेस, ये देखिए लगातार बसेस, ये लगातार बसेस हैं यहाँ से छात्रों के लिए। और छात्र देखिए सड़कों पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं इस समय, इन्हें अपने घरों की ओर जाना है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ये सभी प्रयागराज के प्रशासन को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज ये सभी अपने घरों की ओर के लिए बढ़ चुके हैं। बसेस बहुत ढेर सारी हैं, अगर आप अपने घरों में लॉकडाउन है, छात्रों से निवेदन है कि आप जा सकते हैं। बसेस देखिए पूरी लगी हुई हैं शहर में, इन्हीं बसों में भर कर इन्हें छात्रों को अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बोला जा रहा है। और इस समय हम लोग हनुमान मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके साथ बसेस भी खड़ी हैं। ये सुभाष चौराहे की लेन है, जहाँ पर लेंथ बनाकर इन लोग को भेजा जा रहा है। जो हम लोग सोच रहे थे उससे एकदम अलग, ये हम लोग हनुमान मंदिर के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी पैमाने पे हनुमान मंदिर के पास से तैयारी की गई है छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की। एडीएम सिटी डीएम सर भी यहां पर आ चुके हैं।